अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं कॉप बैन सॉरी गलती हो गया, मतलब ज़बान ही अटक गई। अच्छा, कब कभी अभी होता है मेरी नानी सॉरी इंट्रो में ना मेरी ज़बान अटक जाती है, ठाकुर के कि दो दांत के दरमियान में आ जाती है। तो दोबारा से करते हैं। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं कॉप ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अच्छा, वैसे आप में से कितने लोग हैं जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो कॉपी करते हैं सेम टू सेम, लाइक तो हाय गाइस ऐसे करके? कौन कौन कॉपी करता है मुझे कौन जरूरत आना। मेरी एनोनिमस पब्लिक, आपको पता है कुछ टाइम पहले मैंने चैलेंज अपलोड किया था जिसमें मेरे सारे टीममेट्स थे और फिर मैंने उन सब के साथ मिल के हाईएस्ट स्किल चैलेंज किया था। वो पार्ट वन था। अगर आपने नहीं देखा पार्ट वन तो ज़रूर देखना, आपको मिल जाएगा सर्च करके, मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा पार्ट वन हाईएस्ट स्किल का। उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट स्किल गए थे और आज हमने किए 40 किल्स। मतलब किल्स इतना मैटर नहीं करते, लेकिन जो हम इंजॉय करते हैं चैलेंज को वो ज़्यादा मैटर करता है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुका था गेम प्ले बनाने के लिए पर बन नहीं रहा था। काफ़ी ज़्यादा ट्राई की, काफ़ी कोशिशें की, जब नहीं बना था कार के फिर मैं अपने टीममेट्स को बुलाया, मैं कहा यार आ जाओ मेरा कंटेंट नहीं बन रहा, हम लोग खेलते हैं। तो फिर ये लोग आए, फिर मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर हम चारों साथ में खेलते घुस के मारते पब्लिक तो आपको पता है काफ़ी ईजी हो जाता है फिर वो, और उसमें इतना मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनको बोला भाई हम डुओ 2v2 जाएंगे। जिनको नहीं पता हाई स्किल चैलेंज में, उनको ये बता दूँ डिटेल कि भाई हम 2v2 जाएंगे, दो बंदे अलग जाएंगे, जैसे दो बंदे भी पोचिंग के जा रहे हो, फिर दो बंदे जाएंगे जॉर्जो पुल, अपनी अपनी जगह पर जाएंगे, उसके बाद लूट करके अपने अपने तरीके से रश करेंगे, और दो दो पार्टनर्स होंगे, जैसे अभी मैं और ज़ायरा हम पार्टनर थे, जिन और फिर ये दोनों पार्टनर थे। और फिर हमने डिसाइड किया था कि टीम और टीम दोनों आपस में किल काउंट करेंगे आपस में, जिसके ज़्यादा किल होंगे वो विनर होगा, और मतलब जो हार जाता तो उसके हम फजूल में बेइज्जती करते हैं। तो हाँ, बाबा जी ने जम की पोचिंग की जिसका नाम हमने रखा हुआ पिंडी, और हमने जम किया जॉर्ज पुल जिसका नाम हमने रखा हुआ लाहौर। अच्छा, फ़ायदे में रह गए थे वो लोग क्योंकि वहाँ पर पब्लिक आ गए थे बंदे और यहाँ पे कोई भी नहीं आया था, सिर्फ हम ही आए थे। तो भाई मैं आपको सस्ती शायरी सुना देता हूँ उसका मतलब, यहाँ पे लूट वूट आप मेरी लूट करते देखो और फिर मैं आपको सस्ती शायरी सुनाता हूँ। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि इंग्लिश में कहते हैं चांद, उर्दू में कहते हैं मून। वाह 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 वाह, ये कोई 70 लेके जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है मुझे। मैं थोड़ा भैया तू अपनी 70 ले जा, तेरी चेन भी आवाज़ कर रही है इतने ज़ोर से, मुझे आवाज़ आ रही है 70 की। इंग्लिश में कहते हैं चांद, उर्दू में कहते हैं मून। वाह 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 वाह, ज़रा वाह वाह कर दो यार, ऐसे मज़ा ही नहीं आता पब्लिक सस्ती सुनाने में, आप लोग सुनते रहते हो वाह 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 करते, कोई नहीं हो। इंग्लिश में कहते हैं चांद, उर्दू में कहते हैं मून, करके टीममेट की बिस्ती, मिलता है दिल को सुकून। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी, मिलता है कि नहीं मिलता? तो आज भी ऐसा सीन हुआ था। अच्छा, लास्ट टाइम वाला जो चैलेंज हुआ था ना पब्लिक, वो मैं और ज़ारुक जीत गए थे, मतलब हमारे किल ज़्यादा थे और इनके कम थे। इन्होंने पूरे मैच जो है ना भाई बकवास की थी उसमें, ऐसे मतलब दोस्त है ना तो मैं बोल सकता हूँ बकवास, आपको आया दोस्तों में चलता है। तो मतलब इन्होंने बड़ी बड़ी हमें जब फड़े मारी, बड़ी अपनी तरफ से बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, हम जीत गए ये किल वो किल, तुम हार गए, बॉट मार रहे ये वो, पूरे गेम ये बक 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 करते रहे दोनों, और जब रिजल्ट आया था तो हम लोग जीत गए थे। तो अभी वो लोग बंदे मार रहे थे, उनकी जगह पे बंदे थे, हमारी वाली जगह पे बंदे नहीं थे। हमें एक बॉट मिला था यहाँ पे जिसने हमारा एक किल एक पॉइंट ज़्यादा किया। तो अभी ना ये हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि भाई जॉर्ज पुल चले गए, बंदे नहीं मिले, या मतलब हम उनको बता रहे थे ना कि कोई आया नहीं है, तो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। और ये जब नॉक होते थे हम खुश होते थे कि मर गए मर गए मर गए, और जब हम नॉक होते थे तो ये खुश होते थे कि मर गए मर गए। तो वो एक अलग ही हाइप बनी हुई थी, एक अलग ही मज़ा आ रहा था। खैर, मेरी नॉनिक्स जब जॉर्ज पुल बंदे नहीं है तो हमें यहाँ से निकलना था बंदे ढूंढने के लिए। सबसे पास जो जगह थी वो थी जॉर्जो की सिटी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई बगी लेते हैं, और जो क्रेड लूट रहा था दारू किसी ने बॉट को लूटा, वो लूटने के बाद हम लोग फ़ौरन से बगी यानी छिप कर ली जिसका नाम हमने नाम रखा हुआ है, बूस्ट करके भगा के हम लोग पहुंच जाते हैं जॉर्जो की सिटी मेरी एनोनिमस पब्लिक। क्योंकि मतलब अगर आप कोचिंग की उतरते हो तो आसपास जो सिटीज़ होते हैं हम जल्दी से वहाँ जा सकते हो, जैसे स्कूल, रोज़क अपार्टमेंट्स, और जब आप जॉर्जो में आते हो तो यहाँ पर आप जा सकते हो सिटी में, हॉस्पिटल में, गटका वाली साइड पर। तो हम लोग आए थे यहाँ पे, दरवाजे खुले मैंने देख लिए थे तो मैं ले जाता हूँ जहाँ पे बंदे हो सकते थे, मतलब यहाँ लूट कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं होते, वो होते हैं उसी साइड पे, साउंड आता है बगी में जब आ रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ दरवाजे खुले थे, फिर मैं ज़रा को बोलता हूँ यार चल बस आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखना क्या। तो हम निकले, हर तरफ से इन चारों बंदों ने गोलियाँ चला दी, पर भाई एक गोली नहीं मार पाए हम लोग पहुँच गए। शायद ज़रा को एक ही सिर्फ गोली लगी थी, इतनी हेल्थ नहीं गई। अब बंदे ही कर देते हैं रश बाबा जी। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से कवर दी, ज़रा ने उसको डाउन किया डेविल गेमिंग भैया को। अब इनके जो दूसरे टीममेट थे वो आ रहे थे अलग अलग एंगल से। ओ भाई साहब वहाँ पे नेट करना है सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया बकरा बनाया। और अब इनके एक टीममेट बाहर से आ रहे थे, उनका साउंड आता है तो मैं उनको चेस करता हूँ। बाबा जी ऐसे कैसे कान के नीचे लगाएंगे इनको, ये बकरा बनाएंगे और आखिरी बंदे को मेरे टीममेट से मारो वाला। ऐसे हमने मौत कुछ हुआ
टक से वापस आ गए। मौत को हमने तब एक्चुअली छुआ था जब हम वहाँ से बगीले के करीब से आए थे ना, इनके इन्होंने हर तरफ से गोलियां चलाई थी, तो इनका स्क्वाड हमने यहाँ पे किया हुआ है मेरी अनोनिमस के पब्लिक। अब हम लोग खुश हो रहे थे, लेकिन फिलहाल उन लोग के किल्स हमें ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा बंदे मारे थे, हमने जस्ट एक स्क्वाड मारा था। फिर हमने की भाई लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। अब मैं बोलने वाला था इसका किल का नो मजाक बाबा जी, फिर मेरी नानी के पब्लिक हंसती है, अरे भैया हमें सिखाते हो खुद भूल गए हैं 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 हैं। तो फिर हमने बगी भगाई यानी छिपकल भगाई, और लेवल 2 की यूएस हमें मिलती है, रेड जोन होता है, और जब आपको पता है रेड जोन होता है ना तो आपका दिल वैसे ही धक 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 करने लग जाता है। अब देखो मैं इतना देखा हमारा डुओ बेस्ट है भाई, एक फर्स्ट एड था ना उसके पास था ना मेरे पास था, मतलब फर्स्ट एड है, मैंने कहा एक ही है भाई तू ले ले, ये थी ये होती है टीममेट। फिर मतलब ऐसे ही टीममेट्स की तो अलग भी मदद करते हैं और हम जीत गए देख लो। मैं तो मेरी नाम से बोले हमने यहाँ पे जो अपनी लेवल 2 की यूएसडी थी वो भगाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो गया था एक्चुअली। सामने फ्लेयर चली थी, मेरे को लग रहा था स्कूल में बट वो अपार्टमेंट में थी, और दूर से आप देखना बंदा भी ग्लिच हो रहा होगा ट्रॉप के बाद बैठा हुआ एलओएल लॉल। ये पबजी में बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं, गाड़ी ग्लिच हो जाती है हमें पता चल जाता है, बंदा ग्लिच होता है हमें पता चल जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नींद भी आ रही है। तो भाई मैंने अपनी लेवल 2 की भगाई, और हमें आपको पता है हमने कहाँ गाड़ी रोकनी होती है, सीधा बड़े वाले एनोनिमस अपार्टमेंट में जाके हम लोग गाड़ी रोकते हैं, बंदे जहाँ मर्जी हों बेशक किसी बिल्डिंग में हो, हमने ठोकनी गाड़ी इतनी होती है तो ठोक दी गाड़ी और फ़ौरन से जाते हैं सब भग के छत पे, कोई था नहीं इस बिल्डिंग में। और फ्लेयर की लूट भी मिलने वाली थी, मतलब मुझे आम अप हमारी जो पहली मोहब्बत है AWM उसकी खुशबू भी आ रही थी आसपास से। और फिर जब कोई एक बंदा ना उसकी गोलियां चलाने लग जाता, अब मैं यहाँ आया ये गाइस इस वाली बिल्डिंग से एक बंदा भाग के जा रहा होगा, जब तक मारने लगा वो जा चुका था, तो अब उसी बिल्डिंग से एक बंदा ओम चलाने लग जाता है, ऐसा दिल खफा हुआ भाई हमारी पहली मोहब्बत AWM की गोलियां ज़ाया कर रहे हो तुम। मैं जारुक भैया को बोला लेट्स गो ब्रो लेट्स रश टू देम, ओके हमने ओके किया और फिर हम निकल लिए। इसने किल भी चुरा लिया था, तुम दोनों ने कर दिया रश सामने वाले बंदों पे कि देख ही जाएगी बाबा जी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेते सीधा रश करते हैं। तो इस चक्कर में पब्लिक उनका जो सारा फोकस था वो राइट पे जो स्मोक हुआ और स्कूल के बंदों पे था, इसलिए लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे थे। भाई जो तुम्हारे क्लोज हैं उनको पहले देख लो, लॉन्ग रेंज फाइट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तुमने कर दिया रश, जब हम इनकी बिल्डिंग में आए फिर इनको थोड़ा सा होश आया, क्यों ये क्या हो गया हमारे साथ, नेट वेट कर रहा था मेरे टीममेट में भी होल्ड करा रहा था, एक नेट मेरे पास था, मैंने ऐसे भाई तुक्के पे नेट कर दिया कि यहाँ पे नेट करता हूँ मे बी वो फट जाए और हमें जो ना नॉक मिल जाए, नॉक मिलता तो फिर आपको कुछ करना ईजी हो जाता, बट नॉक नहीं मिला फिर हमने कर दिया रश। अब पब्लिक यहाँ पे ना देखना बड़ी गलत सीन होने वाला है, वो गंदा कैंप करके बैठे होते हैं छत पे, बंदा गया लेकिन छत पे मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि स्कूल से पढ़ रही थी, और ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था, इसको ज़रा नॉक किया। अब इसका दूसरा टीममेट आता है, जब वो नीचे से आया मैंने फ्री फायर किया, मेरी स्क्रीन अटक गई थी और मैं इसको मारा, मुझे पढ़ रही थी स्कूल से, मतलब इसको तो मैंने मार दिया, इस बंदे को मैंने डाउन कर दिया, पर मुझे गोलियां पड़ रही थी मेरी नानी उसके पब्लिक स्कूल वाली साइड से, इतनी दूर से बंदा छोटे से जो विंडो थी उससे मार रहा था। बट खैर हम लोग बच गए, हमारा किल सिक्योर हो गया, हमारे टीममेट भी इधर ही आ गए थे, कितना चीटिंग कर रहे थे ये लोग। रूल था कि भाई जिस एरिया में आपके टीममेट बंदे मारे आप वहाँ नहीं मारोगे, कहीं और ढूंढोगे। अल्लाह अकबर, लेकिन ये लोग यहाँ पे हमारी फाइट वाइट देख के यहाँ पर ही आ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं, मतलब हमारा एरिया था ये तो, बट यहाँ पे किल्स के चक्रों में आ जाते हैं। मतलब जब आप भाई देखो समझा होता है, धोखा करेंगे चीटिंग करेंगे आपके टीममेट्स, हर तरीके से आपको हराने की कोशिश करते हैं, बट नहीं बाबा जी। लेकिन खैर हमें मिल गई थी हमारी पहली मोहब्बत AWM, और आप सबको क्रेडिट दिखाने का मकसद ये था कि आपके मुंह में पानी आए, आपका दिल ललचा को काश अनोनिमस भैया ये ओम हमारे पास होती काश, बट ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे मुझे M4 मिल गई थी और एक्सटेंडेड मैग, भाई जब तक एक्सटेंडेड मैग ना हो हमें लगता है भाई गोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी फ़ौरन से, हालांकि 30 भी बहुत होती हैं, पर हम पाकिस्तानियों की जो है सारे जितने हम पाकिस्तानी हैं हमारी आदत सी बन गई कि जब तक एक्सटेंडेड मैग नहीं होगा गन यूज़ करने में मज़ा नहीं आता, ढूंढते रहेंगे एक्सटेंडेड मैग। पब्लिक यहाँ पे बंदा रुका हुआ था, गन ग्लिच हो रही थी, तो मैंने ज़रा को बोला भाई तू नेट कर, अगर वो भागा मैं स्प्रे मारूंगा, तो उसकी गन ग्लिच हो रही थी, हमें उसकी पोजीशन पता थी, वहीं पे हमने नेट किया, खान भैया डाउन हो गए। ये फिर 70 जा रही है भाई, ये 70 जो है ना ये अपनी आवाज़ ज़रूर प्रमोशन करवाती रहेगी अपनी, फ़ौरन से जो ना अपनी आवाज़ पड़ी 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 फटफटी सी आवाज़ वीडियो में सुनाते रहेंगे, प्रमोशन करवाते रहेंगे। मेरी अनोनिमस की बोले कैसे मजाक कर रहा हूँ, तो मैंने रश किया और इसको किया कंफर्म किल। मेन मकसद था फ़ौरन से किल कंफर्म करना, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा कोई किल चोरी हो या बंदा रिवाइव हो, क्योंकि एक किल इम्पॉर्टेंट था ये चैलेंज जीतने के लिए मेरी अनोनिमस की पब्लिक। हमारे टीममेट्स किल चुराने के लिए हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट वाली साइड से ना कोई फ्लेयर बंदा ज़ाया करता है,
तो जरब को नजर आता है कि वो उस बिल्डिंग में था, तो हमने कर दिया उस बंदे पर रश। हमारे टीममेट स्कूल आ गए थे, लेकिन फिर भी देखो उन्होंने हमारे एरिया में आके किल चुराने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों फिर भी नहीं जाते स्कूल कि चलो यार तुम मार रहे हो, तुमने गलत किया भाई, हमारे वाले एरिया में आ रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे एरिया में नहीं आएंगे, हम अपार्टमेंट में आखिरी बंदा मार रखे ना, यहाँ से चले जाते हैं, चलो तुम मार लो भाई, हम कहीं और ढूंढ लेंगे बंदे। तो ऊपर कर दिया रश। अभी हमें मज़ार को बोलता हूँ भाई रुक जा मुझे आगे जाने दे, मैं आगे जाता हूँ, वो बंदा ऊपर कर रहा होता है, नेट नेट का साउंड आता है कि हाथ में निकाला हुआ। आ हा 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 वाह 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 बड़ी बड़ी यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग स्टेप। और जैसे कि मैं आपको बोला कि फ्लेयर जाया करता है, तो उसमें नहीं होती, जस्ट फ्लेयर गन होती है मेरी अनोनिमस की पब्लिक। फिर हमने पेट भर के लूट की, क्योंकि वैन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इस कार लूट का, नो मजाक बाबा जी, ये हमारा लॉ है, ये पूरा लॉ मैं आपको सुनाता हूँ समटाइम, बट जो मेन हमारे लॉज हैं वो हैं कि लूट का नो मजाक, किल का नो मजाक, और अपने टीममेट्स को फाड़ो गैस के नेट से ठा करके। तो उसके बाद हमने लूट वगैरह की अच्छे से, और यहाँ से निकलने का फैसला किया, भाई तुम स्कूल में बंदे मार रहे हो मारो, हम कहीं और ढूंढ लेंगे कोई बात नहीं। और पब्लिक अब जो स्कूल जोन था वो वहीं का था जहाँ से हम आए थे, तो हमने फ़ौरन से जो है गाड़ी में बैठे, लगाया अपना 8वां गियर जो कि होता ही नहीं है, और भगा के गाड़ी हम आ गए थे एनोनिमस हाउस में, यानी स्क्वाड हाउस में, वो भी जॉर्ज पुल के। अब पब्लिक हमारे पास एक फ्लेयर थी और जरूर के पास थी, तो हमारा ये प्लान था कि मैं स्क्वाड्स में गाड़ी लगा के रुकूंगा, फ्लेयर चलाएंगे, अगर कुरैश होता तो उनको मैं मारूंगा, और यहाँ पे टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि किल मैटर करते हैं, ज़ारा जाएगा बंदे ढूंढने के लिए। तो हमने यही किया, गाड़ी मैंने लगाई और मैं फ्लेयर पर रुकता हूँ कि अगर कोई स्क्वाड फ्लेयर पर रश करता है तो उनसे फाइट मैं लूँगा, और ज़ारा गाड़ी लेके बंदे ढूंढने के लिए जाएगा। तो ये हमारा प्लान था, क्योंकि हम दोनों अगर यहाँ फ्लेयर के इंतजार में रुकते पब्लिक के, हमारा टाइम ज़ाया होने वाला सीन था। एवरी थिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, तो हम थोड़ी सी चालाकी करके जो है ना इंतज़ार कर रहे थे एनिमीज़ का, कि अलग अलग तरीके से किल उठा सकें। ज़ारुक चले जाता है और फ़ायदा भी हुआ इसका जाके, ज़ारुक को किल भी मिलते हैं। और थोड़ा इंतज़ार करने के बाद पब्लिक जो हमारी फ्लेयर थी वो भी आ जाती है, जहाज़ वाला धक्का मार के ड्रॉप को नीचे फेंक देता है, ड्रॉप नीचे आ रहा होता है, गेस करो, वीडियो पॉज कर दो, चीटिंग नहीं करनी, रोक दो वीडियो और कमेंट करना कि कौन सी गन होने वाली है मेरी एनोनिमस की, पब्लिक चीटिंग नहीं करनी, देखते हैं किसका तुक्का ठीक लगता है। तो अगर आप वीडियो को पॉज करके दोबारा आ चुके हो तो जो आपका तुक्का था वो गलत है, क्योंकि ओम और AUG मुझे लगता है कि आप में से किसी ने ठीक बताया होगा, और अगर ठीक बताया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, बट मुझे लगता है आप लोगों ने गलत ही बताया होगा, ओम और ऑक का हो ही नहीं सकता, मतलब आपने एक ही गन बोली होगी, M249 या MK या ओम, लेकिन दो गन्स आई हैं तो ज़्यादातर लोगों का तुक्का गलत होता है। फिर मैंने यहाँ से ओम से भी एमओ निकाल ली, वैसे भी एमओ उठा ली ताकि कोई यूज़ ना कर सके। और पब्लिक फिर हमारी जो गाड़ी थी आपने देखा होगा, मे बी आप लोग बहुत नोट करते हो छोटी छोटी चीज़ें, तो शायद आपने नोट किया जो हमारी गाड़ी खड़ी थी उसमें फ्यूल नहीं था। तो फिर मेरी नॉनिस पब्लिक मैंने यहाँ से बाइक उठाई, बाइक जो थी वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कहीं पर अचानक से रुकना पड़ा तो मैं नहीं रुक पाऊँगा बाइक पर। फिर से 70 जा रही है यार, ये 70 वाले बड़े तंग करते हैं, इनको ना अपनी फटपड़ी की आवाज़ गाड़ी की, अपनी जो 70 की आवाज़ है, चेन कवर में चेन लग रही होती है और सारी आवाज़ जो वो ला रहे होते हैं मेरी हमारी वीडियो में। तो मेरी और उसके लिए हमने छिपकली उठाई, और फिर मेरे माइंड में आया कि ये लोग भी हर जगह ढूंढ रहे थे, मैं भी और मेरे टीममेट भी हर जगह ढूंढ चुके थे, पर हम सिटी में नहीं गए थे, तो मैं सिटी के करीब था बड़ी वाली, तो फैसला किया कि भाई बड़ी सिटी में जाके देख लिया जाए। 4 बंदे अलग अलग कोनों में ढूंढ रहे थे, तो चांसेस कम थे बंदे मिलने के, मतलब ओवरऑल सबको मिलने के चांसेस ज़्यादा थे, बट एक बंदे को चांसेस कम थे मिलने के। यहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे बंदे मिल सकते हैं, कोई रैंक पुशर्स आए होंगे तो, बट दरवाजे बंद थे, कोई उम्मीद नहीं थी, गाड़ी भी खड़ी हुई थी, शायद दरवाजे बंद थे। बट पब्लिक जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ मुझे आता है राइट वाली बिल्डिंग से साउंड कि बंदा भागा, तो मैंने फ़ौरन से मेरी नर्स वाली बग्गी लगाई साइड पर। अब देखो उसका मार्क आया बट वो साउंड नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा था कि है कहाँ, तो मैं यहाँ रुकता हूँ पहले, इधर देखता हूँ यहाँ नहीं है, सीढ़ियों पर ध्यान से जाना है मुझे, जिगल करके लेफ्ट राइट होकर जा रहा होता हूँ, ऊपर आता हूँ फिर मुझे साउंड आता है नीचे का, ओ भाई साहब यहाँ का साउंड आता था, बंदा यहाँ खड़ा होता है, मोहसिन डन भाई का नाम देखो, मोहसिन डन, और मोहसिन भाई वाकई में डन। तो मेरी नर्स कब्लिक इसने ना हिल के गलती कर दी, वरना ये बड़े अच्छी जगह खड़ा हुआ था, और आपने देखा मैं इसके पास से गुजर के गया पहले, इसने मुझे मारा ही नहीं, इसने मेरी पोजीशन देख ली बट मुझे शूट नहीं किया। अब जो नेक्स्ट हमें स्क्वाड मिलने वाला है पब्लिक, यहीं पे मिलने वाला है, वो भी आएगा सीसी के बंदे थे, तो मुझे था अगर ये अकेला है तो इसके बंदे भी होंगे, गाड़ी तो नहीं है तो इसके टीममेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैं लेके आता हूँ अपनी छिपकली, जैसे थोड़ा सा आगे आगे गुजर रहे होते हैं यहाँ से, गाड़ी जा रही होती है फ़ौरन से रोड से, रोड पर उतर गया, किल कर आलच देख रहे हो, डाउन के यहाँ पे होनी को, ऊपर 2 बंदे और थे मेरी नॉन स्केबलिक, तो मैं फ़ौरन से थोड़ा आगे आता हूँ, डर ही लग रहा था कि ये ना हमारे साथ प्रैंक हो जाए, कोई गलत सीन हो जाए, बट मैंने कहा देखी जाएगी, जो होगा चिकलेगा नाड़क चिकलेगा। हाँ अपने टीममेट को बोल दिया था भाई यहाँ पे पूरा स्क्वाड है आ जाए मेरी हेल्प को, तो पहले मैंने वही काम किया, किल सिक्योर किया, क्योंकि मैंने मुझे था कि अगर मर जाऊँ मेरा टीममेट जिंदा हो तो हम लोग एटलीस्ट हारे ना, ये किल हमारे टोटल किल्स में काउंट हो जाए।
से अब इसको मारा, और अब जो बाकी ऊपर बंदे थे उन पर रश करने का फैसला किया पब्लिक। एक बंदे का मुझे साउंड आ रहा था कि वो दीवार के साथ अटका हुआ है, आपको अटके वाले साउंड का आता है ना, वो जब साइड पे आप खड़े हो जाते हो बिल्डिंग के, अटकने वाला साउंड आ रहा होता है, तो वो मुझे आ रहा था। मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ साउंड कहाँ से आ रहा है। ओहो सर जी, वाह 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 वाह, अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक ये एक ऐसा ग्लिच है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दीवार के साथ अटके हो ना, आपकी स्क्रीन पे आप अटके नहीं हो, आप बैठे हो, आपको लग रहा होगा हम आराम से बैठे हैं, साउंड नहीं जा रहा, लेकिन लाइक एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अटक रहे होते हो, और आप जो हो हिल हिल के साउंड दे रहे होते हैं एनिमीज़ को। तो एक बंदा भागा भी था यहाँ से इनका, तो मैंने टीममेट को बोलता हूँ भाई एक और बंदा था वो इस तरफ भागा था, तो हम लोग उसको ढूंढने लगते हैं पब्लिक के भाई बगीज वगैरह उनसे गुजार रहे होते हैं साउंड आ जाए। पर बहुत से लोग इतने प्रोफेशनली कैंप करते हैं ना भाई, अल्लाह माफ़ करे, साउंड ही नहीं दे रहा था। हमने कोशिश की कि गाड़ी गुजारें, इससे ज़्यादा आगे कहीं जा भी नहीं सकता था, यानी कहीं बिल्डिंग में बैठा होगा जाके, लेकिन उसको पता था कि मुझे ढूंढ रहे हैं, तो भाई वो बिल्कुल ही चुप करके बैठ जाता, बिल्कुल साउंड नहीं दे रहा होता, सांस रोक लेता बिल्कुल। तो हमने गाड़ी वाड़ी घुमाई, जब कोई नहीं मिला तो एक बंदे के पीछे अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय हमने फैसला किया कि भाई यहाँ से जाते हैं और जगह बंदे ढूंढते हैं, मे बी एक के पीछे हमें कहीं और पर चार मिल जाएँ। तो अब फिर से हम डिफरेंट डिफरेंट जाके अलग अलग जाके बंदे ढूंढ रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रास्तों पे। लॉल समटाइम मेरी अंग्रेज़ी बड़ी ख़राब होती है, आपको भी हंसी आती होगी, ए है ना भैया अंग्रेज़ी बोल रहे हो, आती वाती है नहीं। तो भाई हम फिर ना यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ओपोनेंट टीममेट्स होते हैं, मतलब जिनसे हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, वो दोनों हो जाते हैं नॉक। अभी एक हुआ, ये दूसरा भी हो गया, और यहाँ पे जो हमने चीखें मारी हम हंस के पागल हुए, क्या नॉक हो गए। और मतलब ये रूल है भाई, देखो वो आपके ओपोनेंट हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, वो नॉक हो गए, हमारा काम नहीं बनता रिवाइव देना, क्योंकि हम एक चैलेंज कर रहे हैं। अगर हम नॉक हो रहे हैं तो वो भी रिवाइव नहीं देंगे, क्योंकि अगर रिवाइव हो जाते हैं तो उनके वापस से चांसेस हो जाएंगे किल उठाने के। तो जितने किल उन्होंने कर लिए कर लिए यहाँ पे, और हमने फिर मतलब रिवाइव वाइव नहीं दिया, भाई मरो तुम दोनों नॉक हो गए, नहीं होना था, हमारे किल चिरा देते हैं। तो फिर हम खुशी खुशी बड़ा वहाँ से निकल जाते हैं और बंदे ढूंढने लगते हैं। अब हमारे ओपोनेंट जो थे जिनसे हमारा कंपटीशन था वो तो मर चुके हैं, बट फिर भी मे बी इनके किल ज़्यादा हों, क्योंकि स्कूल पे आके किल उठा के गए, इन्होंने बचिंग की में हमसे ज़्यादा किल उठाए, उसके बाद भी आगे पीछे जब जा रहे थे दोनों, इन्होंने काफ़ी अच्छे किल्स किए हुए थे। तो पब्लिक मैं ना उसी सर्कल यहाँ पे था, पर मैं उसी एक बंदे को ढूंढ रहा था जो पीछे रह गया था, मैंने कहा एक किल तो उठाऊँ, बट वो नज़र नहीं आया एंड टाइम तक। फिर मैं यहाँ पे आके फिर से उसके लिए रुकता हूँ कि अब जोन आ रहा है, अब वो पीछे भाग गया था मैं उसको मार दूँ, पर वो नहीं नज़र आता। और वहाँ पे ज़ारो को दो स्नैक्स लेटे होते हैं, ज़रा जाकर रुकता है, ये भी मर जाता है। अब हम मेरे तीन टीममेट्स मर चुके हैं, जिसमें से दो से हमारा कंपटीशन था और एक मेरा टीममेट था। अब मैं अकेला हूँ, तो मतलब हम भी थोड़ा सा टेंशन में आ चुके हैं, हमें किल्स सेम थी और मैं अकेला बचाऊँ, तो मैं दूर रुकता हूँ। और मेरे पास होती है स्नैक, होता दूर से नज़र आएंगे, वही होता है कान के नीचे लगाया बकरा बनाया फिरदौस खान भैया को, उनके टीममेट जो मेरी टीममेट की क्रेट लूट रहे थे, दोनों को मैंने डाउन किया, और इसके बाद अपना किल कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने बंदे बचे नहीं हैं और मैं नहीं चाहता मेरा कोई किल चोरी हो जाए। तो यहाँ पे पब्लिक अपने दोनों किल कंफर्म करने के लिए मैं चला जाता हूँ फ़ौरन से बगी लेके उसी साइड पे जहाँ पे वो नॉक हुए थे, और दोनों नॉक थे, मैं भी ये रैंडमली खेल रहे थे तो उनके टीममेट्स काफ़ी आगे पीछे हुए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी घुमाई, सॉरी अपनी बगी घुमाई, पब्लिक बहुत ढूंढा बंदे, ये जो घर है यहाँ देख लिया, स्नाइपर टावर में देख लिया, अब भाई दूसरी 125 आई है, मतलब ये जो है ना साउंड देना बंद नहीं करेंगे, कभी 70 का साउंड आएगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मोटरसाइकिल्स, ये अपनी प्रमोशन कराए बगैर बाज नहीं आएंगे। तो मेरी अनोनिमस पब्लिक फिर मैंने ना छिपकली घुमाई, और जहाँ जहाँ जिस जिस कोने में देख सकता था ना मैंने देखा। अब जो लेफ्ट वाली साइड थी वहाँ मैं नहीं गया, टू बी ऑनेस्ट, ये जो रुइंस था यहाँ मैं नहीं गया, मुझे लग ही नहीं रहा था, शक ही नहीं हुआ कि उधर ही बंदे हो सकते हैं। मैंने सारा एरिया देख लिया, स्क्वाड्स वाली साइड देख ली, बट नहीं भाई, दो बंदे बचे हुए थे पब्लिक, और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद यहाँ पे आकर रुक जाता हूँ, तंग आकर सर्कल चला जाता है, और इतनी देर में ना गोलियां चलती हैं, एक बंदा दूसरे को मार देता है। और अब मेरे जो एनिमीज थे, मतलब मेरे टीममेट एनिमीज जो थे, हाँ वो खुश होते हैं कि एक किल गया हाथ से, हाँ 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 हम जीत गए, मजाक मजाक उड़ा रहे थे। और अब जो बंदा था वो भी जोन में था, बट उसकी पोजीशन मुझे नहीं पता था मेरी एनिमीज के, थोड़ा सा आगे आता हूँ, देख रहा था लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, फिर मैंने डिसाइड किया भाई तंग आके नज़र नहीं आता तो बगी लेके जाते हैं, इतनी देर में मुझे मारने लग जाता है एसकेएस, सर जी ऐसे कैसे सर जी ऐसे कैसे, कान के नीचे लगाया बकरा बनाया, लॉबी भगाया और मौत को छूके टक से वापस आपका अनोनिमस आया। और ऐसे मेरी अनोनिमस की पब्लिक, हमारा रैंक ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि हमने कॉन्क्रीट किया था इस अकाउंट में, तो एस करने में टाइम लगेगा, रश खेल खेल के ऐसे ऐसा, लेकिन खैर मेरी अनोनिमस की पब्लिक, हम जो हैं चैलेंज जीत चुके हैं, इनके 19 किल थे, हमारे 21 किल थे, 2 किल से
हम लोग जीत जाते हैं। टोटल किल्स जो हम लोग करते हैं वो करते हैं 40। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का मैच गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया था, अच्छा चैलेंज था। पिछली बार भी हाईएस्ट किल चैलेंज हम लोग जीते, इस बार भी हाईएस्ट किल चैलेंज हम दोनों ही जीते। तो वीडियो कैसी लगी गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट जरूर बताना। कोई बात अगर मेरी आपको बुरी लग जाए तो प्लीज़ उसे दरगुजर कर देना, माफ़ कर देना, रमज़ान है भाई। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस पब्लिक। इंस्टाग्राम पे यार फॉलो कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस पब्लिक, आप सबको गिली।